पूरी दुनिया के लोग, चाहे सरकारी नौकरी में हो, प्राइवेट जॉब में हो, बिजनेस में हो, प्रोफेशन में हो, ये सब लोग अपनी जिंदगी को अच्छा जी सकते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन एक जिंदगी से बाहर नहीं आएंगे, उसका नाम है स्क्रिप्टेड लाइफ। जिंदगी जीने की सही राह और सफलता पाने की खुफिया राज, जिसे एक बार पता चल जाता है तो समझो वो इंसान मंगल ग्रह पर भी अपने नाम का झंडा गाड़ सकता है। वैसे ये लाइन मेरा खुद का था जो खुद को मोटिवेशन करने के लिए मैंने लिखा था, परंतु दोस्तों असली मोटिवेशन का भंडार तो हर्षवर्धन सर के पास है, जिन्हें लुकटकला मोटिवेशन के नाम पर भी जानते हैं। और अब मानो या ना मानो, उनके हर एक सेशन में कुछ नया सीखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आज हम हर्षवर्धन सर के लाइफ स्टोरी के बारे में जानेंगे, सो इस वीडियो को हो सके तो आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। हर्षवर्धन सर का जन्म 1980 में राजस्थान के जयपुर में हुआ था। हर्षवर्धन सर के फैमिली के बारे में बात करें तो उनके पापा एक पशु चिकित्सक है और उनके मम एक हाउस वाइफ है। सूत्रों के अनुसार हर्षवर्धन सर के माँ बाप को करीब 14 साल तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। बाद में हर्षवर्धन सर बहुत ही मुश्किल से पैदा हुए थे। दोस्तों हर्षवर्धन सर बचपन में बहुत ही शरारती लड़का हुआ करते थे, जिसके लिए घर वाले हमेशा उन्हें लेकर परेशान हुआ करते थे। बात करें हर्षवर्धन सर के पढ़ाई के बारे में, तो उनका स्कूल का शुरुआत गांव के गवर्नमेंट स्कूल में हुआ था। हर्षवर्धन सर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक है। दोस्तों हर्षवर्धन सर के क्रिकेट के प्रति दीवानगी आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि वो भूखे प्यास से क्रिकेट खेलते रहते थे, जिसके लिए उनके मम मजबूरी से उनके लिए क्रिकेट स्टेडियम पर खाना ले जाते थे खिलाने के लिए। दोस्तों हर्षवर्धन सर को क्रिकेट के अलावा स्विमिंग और स्पीच देना भी अच्छा लगता है, और वो एज ए कैरियर स्पीच को ही चुना अपने जिंदगी में, और आज की तारीख में एक सफल प्रवक्ता बन गया है पूरे इंडिया में। बात करें उनके मैरिज लाइफ की, तो वो 2010 में सुशीला से लव मैरिज करते हैं, और आज के तारीख में उनके एक 8 साल के बच्चे भी है। हर्षवर्धन सर के कहना है कि वो अपने जीवन में कई सारे काम कर चुके थे, परंतु हमेशा उन्हें फेलर का सामना करना पड़ा था। अपने पॉजिटिव थिंकिंग के चलते हर्षवर्धन सर ने कभी हार नहीं माना था, और एक फील्ड में फेलर होने के बाद दूसरी फील्ड में अपने किस्मत आजमाते थे। उनके कहना है कि उन्हें कुछ ऐसा काम चाहिए था जहाँ लोगों को फ़ायदा हो सके, साथ ही उन्हें भी फायदा हो सके, वो भी सीधी तरीके से। ऐसे ही सोचते सोचते 2014 आ जाता है और हर्षवर्धन सर इसी साल से ही मोटिवेशन देना शुरू कर देते हैं।